गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मॉड्यूलेशन। बहुत सारे दोस्तों ने डिमांड की है कि हमें मॉड्यूलेशन के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको चीज बता दूं कि मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सभी स्टूडेंट्स, आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी को याद नहीं होता, कभी किसी को क्लियर नहीं होता। आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ डिजिटल मॉड्यूलेशन का, ये आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। मेरे फंडे अपने ही होते हैं, वो बात अलग है कि हालांकि ये कोई मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये फंडे सभी जगह देखे जाएंगे, सुने जाएंगे, राइट। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, आई होप आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो आप दोबारा मेरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैं अपना परफेक्ट शॉट देने की कोशिश करूंगा, राइट, ओके। और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल से, बांग्लादेश, भूटान, ओमान, सीरिया तो शायद मेरे ख्याल से तो किसी का कमेंट नहीं आया, ठीक है, ना ही आया तो अच्छा है, पता चला आईएस वालों ने मुझे बुला लिया। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन का। डिजिटल मॉड्यूलेशन में तीन चीजें होती हैं, तीन तरीके का मॉड्यूलेशन होता है। पहला होता है ASK, दूसरा होता है FSK, तीसरा होता है PSK। ASK stands for amplitude shifting, FSK stands for frequency shifting, and PSK stands for phase shifting, right? ASK, FSK, PSK, तीन तरीके की डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन सी होती है। ASK, FSK एंड PSK, ये होती है डिजिटल। अगर आप गलती से वो PCM और PTM बोलने वाले हैं तो बिल्कुल गलत है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन या डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं होती है। मैं आपको बता दूं तो उस चीज को जरा अपने जहन में बिठा दीजिए। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक ASK, FSK, PSK होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ASK के साथ, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर सिग्नल है तो आप वन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल, तो जीरो से। ये है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का तरीका। तो सपोज अगर मुझे कोई सिग्नल भेजना है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, और इंफॉर्मेशन है 1101 सपोज, तो 1 पे आप सिग्नल भेजेंगे यानी सिग्नल होगा, और 0 पे कोई सिग्नल नहीं है यानी ये मेरा सिग्नल है, ये ओके 1। सो अगर मेरे पास सिग्नल है 1101, मुझे ये भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा, सवाल ये है। तो 1 के लिए जैसे मैंने लिखा है सिग्नल, तो ये मेरा सिग्नल है, और 0 के लिए नो सिग्नल। तो अगर मुझे 1 भेजना है तो मैं सिग्नल दूंगा, अगर मुझे 1 भेजना है तो मैं सिग्नल दूंगा, 0 भेजना है तो कोई सिग्नल नहीं, 1 भेजना है तो सिग्नल। समझ आ रही है? आप 1 पे सिग्नल को भेजेंगे, 0 पे कोई सिग्नल नहीं है, यानी 0 पे कोई आप कहिए किसी तरीके की वेवफॉर्म नहीं है। आप इसको अगर इस तरीके से ही बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 0 पे नो सिग्नल, 1 पे फिर सिग्नल, आप ये भी बना सकते हैं, यानी 1 पे सिग्नल है, 0 पे नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये होता है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का तरीका। अब सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कहां की जाती है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, शायद 99% लोगों को नहीं पता, मैं आज आपको बता देता हूं। आप खुद ही सोचिए, 1 का मतलब सिग्नल, 0 का मतलब नो सिग्नल, 1 का मतलब सिग्नल, 0 का मतलब नो सिग्नल, ऐसा कहां पे होता है?
ऑप्टिकल फाइबर। जी हाँ, लाइट पल्स मतलब वन, नो लाइट पल्स मतलब जीरो, लाइट पल्स मतलब वन, नो लाइट पल्स मतलब जीरो, चीज आपके सामने है। ऑप्टिकल फाइबर में आप ASK का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लाइट पल्स, नो पल्स, पल्स, नो पल्स, ऐसे तो डिजिटल सिग्नल रिसीव होता है आपको। डिजिटल सिग्नल 1 और 0 में ही होता है, तो 1 और 0 आपको रिसीव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। अगर पल्स है तो 1 है, नहीं है तो 0 है। तो उसके लिए आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? ASK। आई होप आज आपको ये समझ आया होगा, मजा आ रहा होगा, अब चीजें मजेदार होती जाएंगी, राइट? अभी और देखना आपके, अभी कैसे हमारा डेटा रेट बढ़ता है, स्पीड कैसे बढ़ रही है मोबाइल में, आज मैं आपको बताऊंगा, राइट? तो चलिए ASK की बात हो गई, ASK के बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो वो है FSK का। जो दूसरी मॉड्यूलेशन टेक्निक है हमारी वो है FSK। तो दूसरी मॉड्यूलेशन टेक्निक पे आते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट FSK। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हैं। तो इसके लिए अभी हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक रेफरेंस सिग्नल बना लें, चलिए नहीं बनाते, एक काम करते हैं, 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी लोगे वो आप हाई फ्रीक्वेंसी लोगे कुछ इस तरीके से, और 0 के लिए जो लोगे वो आप कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी लोगे, कुछ वैरी वैरी करती हुई फ्रीक्वेंसी लोगे। समझ आ गई बात? तो अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करना है और आपने सिग्नल भेजना है कोई 1101, ये सिग्नल आपको भेजना है, तो 1 के लिए हायर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आप सेम रखिएगा, 0 के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी, सॉरी 1 है तो यहां पर भी हायर फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी एंड देन 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरीके से आपका सिग्नल आपको नजर आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी यानी 1, लोअर फ्रीक्वेंसी यानी 0। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कुछ ऐसे चलती, राइट? ये आप अपने FM में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल में स्वीडन में इस्तेमाल होने लगा है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से जो वहां पे FM चल रहा है, तो वहां पे FSK का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, राइट? तो FSK कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे हायर फ्रीक्वेंसी से 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी से 0। नंबर ऑफ वेवफॉर्म्स ज्यादा नहीं, यहां पे आप कह सकते हैं पर सेकंड, तो वो आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पे आते हैं, बिकॉज ये तो बेसिक था ASK FSK। टेलीकॉम के अंदर जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक का नाम है PSK। PSK के वर्जन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं, दैट इज फेज शिफ्ट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा YouTube पे, राइट? फेज शिफ्ट की अब हम इसको समझने जा रहे हैं, ये कैसे होता है, राइट? इसके लिए आपको तीन चीजें, दो काम इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने रेफरेंस सिग्नल बनाना है और एक कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाना है। तो मेरा जो रेफरेंस सिग्नल होगा वो हमेशा मैं साइन वेव लेकर चलूंगा, तो आपने हमेशा यही लेना है, दिस इज माय रेफरेंस सिग्नल, एंड दिस इज माय कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, दिस इज माय कॉन्स्टेलेशन डायग्राम। अभी बनाया नहीं है, बना रहा हूं, पानी पीने के बाद। This is my reference signal. यहाँ पे 0 डिग्री होता है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट 90 डिग्री होता है, अगर आपने मैथ्स किया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ये जो पॉइंट होता है इसे 180 डिग्री बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसे 270 डिग्री बोलते हैं, और वेव फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इसे 360 डिग्री बोलते हैं, बिकॉज इसके बाद जब आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो यार ये रिपीट हो रही है इसी तरीके से, और ऐसे ही बनेगी, यानी यहाँ पे मेरी वेव फॉर्म कंप्लीट होगी, ये उसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी, समझ में आ रही है? आपके यहाँ 360 हो जाता है, ठीक है? इसे बोलते हैं रेफरेंस सिग्नल। अब अगर मैं कॉन्स्टेलेशन डायग्राम की बात करूं PSK में, तो सबसे पहले मैं बेसिक ले लेता हूं PSK का, दैट इज BPSK।
बाइनरी फेज शिफ्टिंग, अभी मैं इसको ले लेता हूं बाइनरी फेज शिफ्टिंग। तो बीपीएसकी का मतलब बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, यानी दो ही फेजेस है मेरे पास, या तो जीरो है या फिर या तो जीरो डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, दो ही फेज है, फेज मतलब एंगल, तो दो ही फेज मैंने ले लिए। जीरो डिग्री पे मान लो जीरो है, 180 डिग्री पे वन है, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है तो जीरो और वन आपके पास दो ही बिट है। अब सपोज आपको जो सिग्नल भेजना है वो भेजना है 0 1 0 0, ये सिग्नल आपको भेजना, तो कैसे जाएगा सिग्नल आपका? अब आप देखिए जीरो, मुझे जीरो भेजना है, जीरो यहां पे है, जीरो के लिए फेस कितना है 0 डिग्री, यहां पे आ जाएगी, पहले यहां देखेंगे फिर यहां देखेंगे, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री तो यहां है, यानी वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहां से रुकिए इस तरीके से एक वेवफॉर्म पूरी बनाओगे, एक पूरी वेव आप बनाओगे। अब आपने देखा वन, वन कहां पे है, यहां पे है, वन के लिए एंगल कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री यहां देखो कहां पे है, ये रहा, यानी 180 का पॉइंट यहां से स्टार्ट है, तो आपको भी वेवफॉर्म यहां से स्टार्ट करनी है, और कहां तक जाएगी, पूरी वेवफॉर्म बनानी है, यानी जहां से रिपीट होनी शुरू हो जाए, यानी जहां शुरू हुई है वहीं खत्म होगी, तो यानी 180 यहां से स्टार्ट है, तो आप वेवफॉर्म यहां से ही स्टार्ट करोगे ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि ये 180 नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ आप ऐसे स्टार्ट करोगे, ऐसे जाओगे और यहां लाके खत्म करोगे, क्योंकि यहां के बाद जैसे बढ़ाओगे चीज रिपीट होने लगेगी, आपको एक वेवफॉर्म पूरी बनानी है, समझ आ गया बात? आपने वन बना दिया, जीरो बनाना है, अगला सिग्नल जीरो भेजना है, फिर जीरो से, यानी सेम वेवफॉर्म रिपीट हो जाएगी, फिर जीरो है, यानी फिर यहीं से स्टार्ट होगी, फिर इस तरीके से। ये है बीपीएसके। अगर आपको बीपीएसके में सिग्नल भेजना है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका सिग्नल, अगर आपने 0100 भेजा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप मेरा वीडियो दोबारा से एक बार पीछे करके देख लें अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, राइट। तो ये हो गया बीपीएसके। अब इसके एडवांस वर्जन पे आते हैं, बीपीएसके के बाद आया क्यूपीएसके, दैट इज क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग। अब क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग आया, अब इसमें क्या करेंगे, अब की बात क्वाड्रेचर की बात हो रही है, यानी चार फेजेस की बात हो रही है, फेजेस तो मेरे पास दो ही हैं, यानी दो फेज और लेने पड़ेंगे, ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं 90 डिग्री, एक यहां ले लेते हैं 270 डिग्री। अब की बात मैं क्वाड्रेचर की बात कर रहा हूं, राइट, बीपीएस के हटा देते हैं। तो क्वाड्रेचर में चार फेजेस होते हैं 0, 90, 180, 270, चार फेजेस हमने ले लिए, रेफरेंस सिग्नल यही रहेगा, चार फेजेस ये 0, 90, 180, 270, चार फेजेस मेरे हो गए। सिग्नल जो मुझे भेजना है वो मुझे ये नहीं भेजना, अब की बार मैं ये नहीं भेज सकता, क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे पास चार फेजेस हैं, जीरो और वन तो दो ही बिट है, चार फेजेस को दिखाने के लिए दो बिट में कैसे होगा, अगर इसको जीरो दे दिया, इसको वन दे दिया, इनको क्या लिखूं, दोबारा जीरो तो नहीं लिख सकता, तो अब की बार आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, अब की बार आपको ये लिखना पड़ेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमेशा 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर k, हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब आपने ले लिया, जैसे 2 की पावर k है, जैसे क्वाड्रेचर की बात होगी 4, तो 4 का मतलब होगा 2 की पावर 2, यानी 2 बिट का रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 2 की पावर 3, यानी 3 बिट कम से कम चाहिए आपको, 3 बिट लोगे आप 0 0 0। तो अब मेरा ये सिग्नल हो गया, अब मैं जो वैल्यू भेजूंगा वो भेजूंगा 0 1 1 0 0 0 1 1। सपोज मुझे ये भेजना है, अब मुझे ये सिग्नल भेजना है 0 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे पास है। 0 1 अगर मुझे भेजना है, 0 1 के लिए मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 90 डिग्री, यहां पे दिखा रहा, तो 0 1 90 डिग्री यहां से स्टार्ट है, यानी ये जो वेवफॉर्म है आधे से यहां से स्टार्ट, आधा वेवफॉर्म निकलने के बाद से स्टार्ट, तो आपको भी आधे से लेना है,
वेवफॉर्म ऐसे स्टार्ट होता है, आप आधे से लोग आधे से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे लाइन लगा रहा ऐसा दिख रहा है कुछ, तो आपको भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा और यही लाके खत्म करना पड़ेगा। समझ आ रही है? अब आपको 10 लेना है, 180 डिग्री अगर पहले ही बनाया था आपने, यहां से स्टार्ट होगा नीचे से इस पॉइंट से, हमेशा वहीं से स्टार्ट करना जिस पॉइंट से बनना है। आप ऐसे स्टार्ट करेंगे और यही लाके खत्म करेंगे। अब आप 00 की बात करेंगे, वो तो 00 तो 0 डिग्री पे ही है, तो सिंपल साइन वेव आपको बनानी है। 0 डिग्री यहां से स्टार्ट है इस पॉइंट से, तो आपको इसी पॉइंट से बनानी है, और 11 आपको दिख रहा है 270 नीचे के नेगेटिव पार्ट, ये जो एक्सिस है इसके नीचे से आधे से स्टार्ट करना है आपको, यानी आप यहां से स्टार्ट ऐसे और यही लाके खत्म करें। अब आपको पीएसके कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें अब आपको क्यूपीएसके कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ बीपीएसके के कंपैरिजन में, क्यूपीएसके में क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि पहले जहां आप इसी वेव फॉर्म से एक बिट भेज पा रहे थे 0 या फिर 1, वहां अब एक साथ 2 बिट भेज पा रहे हो, यानी आपका डेटा रेट डबल हो गया इन कंपैरिजन टू बीपीएसके। आप अब इसी सिग्नल में इसी वेव में 2 बिट एक साथ भेज रहे हो, दो दो करके भेज रहे हो। अब पहले जहां एक एक बंदा करके जा रहा था, कहीं सपोज राशन की लाइन लगी हुई है, कहीं पे खैरात का चावल मिल रहा है, वहां पे पहले एक एक बंदा करके मिल रहा था, अभी दो काउंटर खुल गए हैं तो दोनों दो दो बंदों को एक साथ मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी भीड़ खत्म होगी। तो ऐसा ही है, आपका डेटा रेट बढ़ गया, आपके एक साथ दो दो बिट्स जो है वो आप भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं जितना हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक पे आप जाते जाओगे उतना ही आपका जो सिग्नल है, जो उसकी क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है, डेटा रेट इंप्रूव होता है, राइट। तो ये है क्यूपीएसके। क्यूपीएसके के बाद आगे की जो हायर वर्जन्स है वो थोड़े से लेंथी है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। अभी आप अभी तक के लिए इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ दें, उसके बाद मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह जरूर वो चीज़ें बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आपने पूरा देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप कहां से बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।